Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Na chantar na bahiryasya, na purvam na vichaparam, पूर्वापरम बहिश्चान्तः जगतो यो जगच्चयः तं मत्वात्मजम् अव्यक्तं मर्त्यलिङ्गम् अधोक्षजं गोपिकोलूकले दाम्ना बबन्ध प्राकृतं यथा। यस्य बहिः न अन्तः न, जिसके कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ उन्हीं में समाया है। मुंह खोल के ब्रह्मांड दिखा भी तो दिया मैया को, सब कुछ मेरे ही अंदर है, मेरे बाहर है क्या। इवन मैया को भी देख लिया, मैया ने खुद अपने आप को भी देखा कि मैं उसका मुंह खुलवा के देख रही हूं, ये भी सीन देख लिया। यस्य बहिः न और अंतः न, कोई शरीर आत्मा का भेद तो है नहीं, वो तो घनीभूत आत्मा है। तो आत्मा का तो अंदर कुछ होता है क्या? आत्मा के अंदर शरीर में आत्मा है, लेकिन आत्मा में क्या है? घनीभूत आत्मा। तो न चांता न बहिर, न पूर्वम ना पिचापरम, न इसके पूर्व कुछ था न इसके बाद कुछ रहेगा। मतलब मैया ने किसको बांध दिया है उसके लिए भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी हम लोगों के लिए, कि हम लोग ये समझ सकें कि मैया की भक्ति कितनी है। कि ऐसे व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसके न कुछ बाहर है न कुछ भीतर है, और न पूर्वम न च अपरम, और पूर्वापरम यानी काल का स्पर्श, भूत वर्तमान भविष्य कुछ नहीं, ये नित्य वर्तमान है व्यक्ति। बहिश्चांतर जगतो, जगत के बाहर भी है जगत के भीतर भी है। और यो जगत जगत चय, और जगत उन्हीं की शक्ति है। तो जब उन्हीं की शक्ति है जगत, तो वो ही जगत में सर्वव्यापक है, वो जगत ही है, ये भी कह लो। जगत चय अधोक्षजम अव्यक्तम मर्त्यलिंगम, अधोक्षज है जबकि मर्त्यलिंगम एक मानव के बालक की तरह आया है, लेकिन फिर भी मानव के बालक को समझ पाना कितना कठिन है। अधोक्षज माने जो इंद्रियों की शक्ति से परे हो, सामान्य बालक दिखाई दे रहा है लेकिन इसकी कोई लीला सामान्य नहीं है। मर्त्यलिंगम अधोक्षजम, मर्त्यलिंग होते हुए भी अधोक्षज है। और मैया तम मत्वा आत्मजम, मैया क्या मानती हैं? मेरा बेटा है। गोपिका यशोदा ने प्राकृतम यथा, जैसे साधारण बालक हो, दामना उलूखले बबंध, रस्सी से उखल में बांध दिया। सर्वव्यापक होने के कारण जिनका न बाहर है न भीतर है न आदि है न अंत है, जो जगत से पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, जो सर्वकाल एक ही स्वरूप में नित्य विराजमान हैं, जो जगत के कार्य कारण हैं, जगत के भीतर एवं बाहर हैं तथा जगत स्वरूप हैं, उन अव्यक्त इंद्रिय ज्ञान से अतीत मनुष्याकृति श्री कृष्ण को अपना पुत्र मानकर यशोदा देवी ने उन्हें साधारण बालक के समान रस्सी से उखल से बांध दिया। किसको बांध दिया, किसने बांध दिया, कैसे बांध दिया? जो ब्रह्मा आदि देवताओं से लेकर तृण तक सभी को अपनी माया रूपी रस्सी से बांध देते हैं,
सब माया से बंधे हैं, जिसकी माया से उसको मैया ने बांध दिया। एवं जो सर्वव्यापक महामहेश्वर हैं, सबके कंट्रोलर हैं, उसको मैया ने कंट्रोल कर लिया। उन्हें यशोदा मैया ने अपने प्रेम के बल से, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। ये कॉन्फिडेंस है मैया का। उन्हें यशोदा मैया ने अपने प्रेम के बल से रस्सी के द्वारा बांध दिया। भगवान ने दिखा दिया, जो मुझसे प्रेम करेगा मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। पहले तो हमें कहते हैं कि तुम सरेंडर करो, और फिर जो सरेंडर करता है भगवान, फिर उसका सब काम भगवान करते हैं। उसके पाप भगवान दूर करेंगे, उसका योगक्षेम भगवान वहन करेंगे, उसको बुद्धि योग भगवान देंगे, ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयान्ति ते, सारा कार्य उसका भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। व्यक्ति सोचता सरेंडर कर देंगे तो मेरा कैसे चलेगा, सब काम भगवान करने के तैयार है, सरेंडर तो करो 100% अवश्य रक्षी वे कृष्ण, विश्वास पालन कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, विश्वास करो। विश्वास करने में हम बहुत विलंब कर चुके हैं। रस्सी के द्वारा परिच्छिन्न वस्तु का ही बंधन संभव होता है। रस्सी से किसको बांधा जा सकता है, जो लिमिटेड हो? अनलिमिटेड है ये तो अनलिमिटेड को लिमिटेड रस्सी से कैसे बांधेंगे, इम्पॉसिबल चीज है ये। मैया इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है। अघटन घट पटी यसी, भगवान भी ये कर लेते हैं और भक्त भी कर लेता है। जो असंभव हो उसको संभव कर दें भगवान तो कर ही लेते हैं, और भक्त भी कर लेते हैं। भगवान कोई बंधन में रख देते हैं तो खड़े हैं उखल से बंधे, कोई कुछ नहीं कर सकता, मालूम है खोल ही नहीं पाएगा। तदवीर को विदा, उसके वीर को जानती हैं, खोल ही नहीं पाएगा, हमारी बांधी हुई गांठ खोलेगा ये अबोध बालक। तो रस्सी के द्वारा सीमित वस्तु का ही बंधन होता है, परंतु विभु है ये तो। विभु होने के कारण जिनका न कुछ बाहर है न कुछ भीतर, उनके बाहर कुछ है ही नहीं, ये तो सबसे बड़े हैं। ब्रह्मांड तो इनके अंश के रोम छिद्रों से निकल रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम छिद्र से। कोटिश्व शेष वशदादि विभूति भिन्नम, उसको भला जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अगर पिरो करके एक रस्सी बनाई जाए तो भी तो इनको नहीं बांध पाएगी, एक रोम छिद्र को बांध पाएगी बस। वो भी पॉसिबल नहीं है। अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हैं ना, अनंत माने उसकी कोई गिनती ही नहीं है कितने ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ये तो रोम छिद्र की कहानी है, वो भी इनके अंश के अंश के अंश की। और ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इनको कौन बांधेगा? तो विभु को एक सीमित रस्सी यशोदा मैया के घर में पड़ी हुई, उससे कैसे बांध देंगे? वो भी चोटी से रिबन निकाल करके चली बांधने, इतना साधारण समझ लिया है। और ना इनके अंदर है कुछ, ना इनके कुछ बाहर है। ये जो भगवान बताया गया भगवान का गुण, ये सर्वदेश व्यापकत्व तो हुआ कि कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो। इनके बाहर कुछ है ही नहीं, तो हर जगह भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। इनके बाहर कुछ होता तो वो मान लो कुछ दूर भी हो सकता था कि जो इनसे परे है, परे कुछ है ही नहीं। तो ये हुआ सर्वदेश व्यापकत्व। और फिर जो कह रहे हैं, न पूर्वम ना पिचा परम, न इनसे पूर्व कुछ था न इनके बाद कुछ होगा, तो सर्वकाल व्यापकत्व भी है, हर काल में भी ये व्यापक है।
ऐसा कोई काल नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये सब राजा नहीं थे, और ऐसा कोई काल नहीं होगा। क्या है श्लोक? न त्वेवाहं जातु नासं, न त्वं निमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः, सर्वे वयम् अतः परम। तो ये सर्व काल व्यापकत्व हुआ, सर्व काल में भगवान व्यापक है। तो चले गए गोलोक, लेकिन सर्व काल व्यापक है, अभी भी हैं यहाँ। और सर्व देश व्यापकत्व भी है, यानी हर जगह है और हर समय है। सबसे नजदीक अगर कोई है तो भगवान ही है, और कोई हमारा इतना क्लोज नहीं है, चाहे हस्बैंड हो चाहे मदर फादर हो। इतना हृदय के अंदर आके बैठ जाए, वो थोड़ी बैग बैठ गई है, कृष्ण तो बैठे ही हैं। और ये तो खाली इस जन्म में, मान लो हम हृदय से स्मरण भी करते हैं अपने माता पिता का हर समय, लेकिन सिर्फ इस जन्म में ना, पिछले जन्म में तो कोई और माता पिता थे, अगले जन्म में कोई और होंगे, किस किस का सबका, हमेशा उन्हीं माता पिता को थोड़ी स्मरण करना। तो सर्वदेश व्यापकत्व, सर्वकाल व्यापकत्व कहाँ है? ये हैं भगवान, न पूर्वम ना पिचापरम। जिनका पूर्व नहीं है, जिनका अपर नहीं है, अर्थात जो भूत एवं भविष्य से अतीत नित्य वर्तमान है, ऑलवेज प्रेजेंट, बस वहाँ प्रेजेंट टेंस होता है, बस पास्ट कुछ नहीं है, फ्यूचर कुछ नहीं, होगा, हुआ, था, गा और था सब गया, वहाँ केवल हो रहा है जो हो रहा है। इसीलिए कहते हैं नित्य लीला, नित्य लीला इसीलिए कहा गया है कि लीला हो गई, खत्म हो गई, नहीं तो फिर नित्य लीला कहाँ हुई? हर समय हो रही है लीला, हर लीला हर समय हो रही है कहीं ना कहीं। तो जिस लीला में जिस भक्त की आसक्ति होती है, उस लीला में उसको प्रवेश मिल जाता है। वास्तव में व्यापक के द्वारा व्याप्य का बंधन होता है, परंतु यहां विपरीत हो रहा है, लिमिटेड के द्वारा अनलिमिटेड को बांधा जा रहा है। जस्ट उल्टा काम चल रहा है यहां पे। पूर्वा परम, वे जगत के पूर्व और अपर अर्थात कार्य और कारण है। जगत के पूर्व क्या था, काहे को दुनिया बनाई, कारण क्या है? तो कारण तो था कि ये लोग मेरा कहना नहीं मानते, इनको अलग कमरे में रखो, इनके लिए बनाओ मटेरियल वर्ल्ड, माया तुम इनको कंट्रोल करो, ये लोग मेरे रूम में ना आने पाए वैकुंठ में, ये माया को अपॉइंट कर दिया गया, तीन गुणों से बांध के रखो इनको, सत्व रजो तमो, और इनको घुमाओ, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तन अर्जुन, ये झूला झूलने का इनको बहुत शौक है, ब्रह्म लोक जाएं, स्वर्ग लोक जाएं, पाताल लोक जाएं, नरक लोक जाएं, फिर पृथ्वी पे आए, फिर राजा बने, इंद्र बने, बहुत इच्छाएं इनकी हैं, इनको घुमाओ, सब घूम लें तो पहले, जब ये कहेंगे न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम, वाह जगदीश काम ए जगदीश, मुझे न धन चाहिए न सुंदरी चाहिए न कुछ भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, जन्म जन्म भले तुम हमको यहाँ भक्ति अपनी दे दो, सेवा में लगा के रखो, भुक्ति ना दे, मुक्ति ना दे, वैकुंठ ना दे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ये जिस दिन कहेगा उस दिन इनको छोड़ देना, आ जाएंगे मेरे पास। जब तक ये ना बोले दिल से, केवल जीभ से नहीं, जीभ से तो हम लोग ने भी बोल लिया मन का नोट होता है। तो वे जगत के पूर्व और कारण और कार्य दोनों हैं, कारण भी भगवान, कार्य भी भगवान। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो क्यों करता है? आनंद के लिए। भगवान ने जगत बनाया आनंद के लिए, तो हमारा काम क्या है? जब जगत में भगवान आए तो हम उनको आनंद दें, बस हो गया। काहे को बनाई, काहे को बनाई, हम अपने घर में कोई भी सामान लाते हैं, शोपीस लाते हैं, कुछ भी करते हैं अपने आनंद के लिए, हमको अच्छा लगता है,
भगवान को भी अच्छा लगना चाहिए। मेरा हर व्यवहार, मेरी हर बातचीत, मेरा हर सोच, मेरा हर आइडिया उनको पसंद आना चाहिए। उनकी पसंद से सब काम करें, बस यही तो सरेंडरशिप है, और क्या है। क्या भक्त खाता नहीं, पीता नहीं, नौकरी नहीं करता, क्या नहीं करता, सब कुछ करता है, लेकिन बस उनकी पसंद से चलता है। युधिष्ठिर महाराज राज्य भी कर रहे हैं लेकिन झूठ कभी नहीं बोलते, भगवान के कहने पे भी झूठ नहीं बोलते, इतने ईमानदार बन गए। ये कुछ ज्यादा हो गया, इतना नहीं होना चाहिए। पूर्वापरम तो जगत चय है, जगत उनकी माया शक्ति का ही कार्य होने के कारण वे जगत स्वरूप है। अतएव संपूर्ण जगत के द्वारा भी उनका बंधन संभव नहीं है। जगत तो उनका एक कार्य है, जगत बना दिया, उनका एक कार्य है, अपने आनंद के लिए कोई चीज बना दी। वो भगवान तो बड़े हैं ना, जिन्होंने ऐसे पता नहीं कितने जगत बनाए, अनंत जगत बना दिया। तब फिर जगत के अंश के अंश स्वरूप सामान्य रस्सी, जगत का अंश है रस्सी। रस्सी किस चीज की, मान लो कॉटन की रस्सी बनी या रेशम की रस्सी से बांधा हो, मैया तो कृष्ण को बांधेगी थोड़ा सॉफ्ट। रेशम, रेशम क्या है, इस जगत का एक अंश है ना रेशम, तो वो सारा रेशम थोड़ी लगा दिया, उस रेशम का भी एक अंश, उससे थोड़ी सी रस्सी बनी उससे बांधने चली। जगत के अंश का भी अंश, उससे जगत के रचयिता को बांधने चली और बांध भी दिया। ये इम्पॉसिबल चीज कर दी मैया ने, तो ये संभव कैसे हो सकता है। यदि कहा जाए कि उनके साकार होने से उनमें विभुत्व संभव नहीं है, भाई वो तो साकार है, बाल रूप में है, तो विभू कहां हुए। तभी तो यशोदा सोच रही है कि ये कहीं जंगल में चला गया, तो वो तो सर्वव्यापक है, तो फिर तुम्हारे घर में भी तो है, तो ये तो लिमिटेड लग रहा है कि बस इसी, ये जो कृष्ण एक छोटा सा बच्चा है, ये चला गया तो बस खत्म। कहाँ सर्वव्यापकत्व, सर्वकाल व्यापकत्व, सर्वदेश व्यापकत्व, ये सब कहाँ चला गया। वो तो लिमिटेड नजर आ रहा है, बच्चा गोद में है तो है, नहीं तो मैया रो रही है, तृणावर्त उठा ले गया, रो रही है गाय के बछड़े की तरह, जैसे बछड़ा खो जाता है तो गैया रोती रहती है, भूमि पर गिर पड़ती है, ये तो हालत हो गई उनकी। तो कहाँ सर्वदेश व्यापकत्व, सर्वकाल व्यापकत्व को मान रही है मैया, कुछ नहीं मान रही, वो तो लिमिटेड हो गया। लेकिन तो वही कहा कि जब साकार रूप में आ गया तब तो लिमिटेड हो गया ना, नहीं, उसने अनलिमिटेड ब्रह्मांड अपने मुख के अंदर दिखा दिए उसी मैया को, तो फिर लिमिटेड कहाँ है, सब तो इसी के अंदर है, तो है तो विभू ही, बाल रूप में होने पर भी विभू है। हाँ, लोग जो निराकारवादी होते हैं वो यही कहते हैं, तो आप लोगों ने भगवान को लिमिटेड कर दिया, बस एक शरीर में ये मोर पंख, ये बांसुरी, ये आकार छोटा सा, लिमिटेड के अंदर अनलिमिटेड दिखाया है उसने, तो विभू तो है। निराकार तो ठीक है, वो विभू है, लेकिन ये भी तो विभू ही है, उन्हीं का तो अंश है, तो निराकार भी है, साकार भी है, दोनों चीज़ है। शक्ति निराकार है, शक्ति का आकार नहीं दिखता, धूप का आकार नहीं है, सूर्य का तो आकार है। तो साकार होने पर उनमें विभुत्व नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यशोदा मैया ने उनके साकार उदर में ही परिदृश्यमान संपूर्ण जगत का दर्शन किया। तो अगर मान लीजिए कि अब विभू ही है, मुख में ब्रह्मांड दिखाया तो विभू है, पेट में जिसके अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसका पेट कितना बड़ा होगा, उसको कौन सी रस्सी बांधेगी, तो फिर मैया ने कैसे बांध लिया, फिर सवाल उठा। इसके उत्तर में कह रहे हैं, तम आत्मजम मत्वा, अपना बेटा मान करके बांध लिया, उन्हें अपना गर्भजात पुत्र मानकर, अर्थात असाधारण वात्सल्य प्रेम के वशीभूत कर दिया। कृष्ण को कैसे वशीभूत कर लिया,
असाधारण वात्सल्य प्रेम से, असाधारण है उनका वात्सल्य प्रेम। तो ये जो बंधन वाला स्वरूप है, उखल से बंधे हुए, ये यही एडवर्टाइज कर रहे हैं अपने आप को कि हमको प्रेम से कोई भी बांध सकता है। एक अबला स्त्री जो इतनी बड़ी उम्र की, भारी शरीर की, वो दौड़ा के पकड़ के बांध सकती है, तो तुम भी प्रेम करोगे तो हम तुम्हारे भी वशीभूत हो जाएंगे। इसलिए प्रेम करो मुझसे, कोई हानि नहीं हो जाएगी तुम्हारी सरेंडर करने से, बल्कि मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूँगा, मैं तुम्हारा भजन करूँगा, मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करूँगा। क्यों घबराते हो? माँ शुच है, मत करो चिंता। सरेंडर करने पे तुमको चिंता हो रही है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। माँ शुच है कह दिया कृष्ण ने, तो अभी भी विश्वास नहीं है तो फिर आस्तिक का है क्या? तो नास्तिक हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हमने अरे चिंता कैसे नहीं करें चिंता तो होगी ना, बिजली बिल कौन देगा? अब बिजली रखने की जरूरत क्या है? फोन का बिल कौन देगा? फोन रखने की जरूरत क्या है? मत रखो, टेंशन फ्री रहोगे, माला लेके जप करो। जी प्रभु नोटिस तो परमानेंट है ही है कि भाई एक बजे से होता है, इसमें क्या बात है। नोटिस के बावजूद सब लोग राइट टाइम पे हैं। भगवान ने प्रेमाधीन होने के कारण विभु होने पर भी, अब ये किसकी पावर है? इतना बड़ा होकर के, इस जगत का कारण होकर के, इस जगत के कार्य रूपी एक रस्सी के द्वारा वो बंध जाए, ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। अब आप बुद्धि से नहीं सोच पाओगे कि जिसके रोम छिद्र से अनंत ब्रह्मांड निकल रहे हों, उसको इस ब्रह्मांड के एक अंश, उसकी रस्सी बनाई, छोटी सी रस्सी से उनको बांध दे कोई, ये बुद्धि कहाँ चल पाएगी इसमें? भगवान की शक्ति हमारी बुद्धि से बहुत परे है। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, उस दिन से हम भगवान के विषय में पहला पाठ समझ लीजिए पढ़ लिया हमने, आज से भगवान को समझना स्टार्ट हुआ। बुद्धि से नहीं समझ में आएगा, सरेंडर से समझ में आएगा। भगवान ने प्रेमाधीन होने के कारण विभु होने पर भी अचिंत्य शक्ति के द्वारा बंधन को स्वीकार किया। याद रखिएगा ये बात, अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान ने बंधन स्वीकार किया। अव्यक्तम, अव्यक्त माने जिसको देखा ना जा सके, जो व्यक्त ना हो पाए, प्रेम के वशीभूत होने के कारण, प्रेम के वशीभूत होने के कारण ही उनका महान ऐश्वर्य छिपा रहता है। यहां पर कौन सी चीज अव्यक्त है ब्रिज में? उनका महान ऐश्वर्य छिपा हुआ है, ठीक है, महान ऐश्वर्य छिपा हुआ है। क्यों छिपा हुआ है? प्रेम के वशीभूत। मैया को एक साधारण बालक मानती है तो मैं वैसा ही बन के रहूंगा, पलने में लेटे हुए हैं, करवट बदलना नहीं आता है। अरे सारे संसार को सब कुछ सिखाने वाले, वो पलने में लेटा हुआ है, उसको करवट नहीं बदलना आता, उसको बैठना नहीं आता है, मैया उंगली नहीं पकड़ेगी तब तक चलना नहीं सीखेगा, ये हालत है। इतना वशीभूत है कि वात्सल्य रस का आस्वादन कैसे करेंगे? और फिर मेरा ही घाटा होगा, उसका वात्सल्य कहीं अगर कम हो गया मुझे भगवान जान करके, तो फिर वो हमसे वैसा प्रेम ही नहीं कर पाएगी, हमको भगवान समझ के आरती की प्लेट लेके अगरबत्ती धूप दिया सब करेंगे तो हमको आनंद कहाँ है? वो जो गोद में बिठाती है, दूध पिलाती है, वो सब करेगी नहीं? फिर वो विनम्रता के कारण, मेरा अशुद्ध शरीर है, ये है वो है, इसका दूध कैसे पियोगे, ये भी अपवित्र है, चमड़ा है, फलाना है, जो हम लोग सब समझते हैं गीता में, वहीं सब बोलने लग जाएगी, वो दहन दिखाने लगेगी
तो कहां गोद में उठा के दूध पिलाएगी। तो अव्यक्तम प्रेम के वशीभूत होने के कारण ही उनका महान ऐश्वर्य छिपा रहता है। मर्त्यलिंगम मनुष्याकार होने पर भी जो अधोक्षजम अतीन्द्रिय हैं, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा अगोचर है, भगवान दिखाओ तो माने, भगवान दिखाओ तो माने। बहुत से तो भौतिक जो स्थूल वस्तुएं हैं वो नहीं देख पाता आदमी, वायु देख पाता है, आज बड़ी अच्छी हवा चल रही है, कहीं कहाँ है चल रही है दिख तो नहीं रही है, चल रही है, चल रही है, तुमको दिख भी रही है और चलती हुई भी दिख रही है, हमको तो दिख भी नहीं रही, हवा नहीं दिखती, रिक्त स्थान आकाश वो भी नहीं दिखता, ये तो धूल के कणों द्वारा ये जो रिफ्रैक्शन है सनलाइट का उसके कारण नीला नीला दिखता है, नीले रंग का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है इसलिए वो नीला दिखाई देता है। ये भी साइंस है, हम नीला रंग शास्त्र के हिसाब से देखा जाए क्योंकि वो भगवान का रंग है, तो ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके वो भगवान के शरीर से निकलने वाली जो ब्रह्म ज्योति है वो छन छन करके आ रही है, इसलिए आकाश नीला दिख रहा है, शास्त्र ये कह रहा है और साइंस कुछ और कह रही है, रिफ्लेक्शन सिस्टम ये सब बता रहे हैं। तो ये ग्रेट साइंस है कि वो साइंस है, असली साइंस तो यही है। तो यथा प्राकृतम इस जगत की माताएं जिस प्रकार अपने बालकों को बांध देती हैं उसी प्रकार मैया यशोदा भी श्री कृष्ण को रस्सी के द्वारा उखल से बांध रही हैं, बांध दिया है। अहो मैया यशोदा के प्रेम में कैसा बल है जो उन्होंने सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण को बांध दिया है। कहां सच्चिदानंद रो रहे हैं डर के मारे ये सच्चिदानंद है, लेकिन ये वही है ना कि अधोक्षज हमको नहीं दिख रहा है कि क्या आनंद का आदान प्रदान यशोदा और कृष्ण के बीच में चल रहा है, क्या भक्त लोग इस सीन को देख करके और आनंद का अनुभव कर रहे हैं और दामोदर अष्टकम बंधे हुए कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं कि हाँ आप प्रेम से कैसे वशीभूत हो जाते हैं। बाकी सब मोहित हो रहा है संसार। हरे राम राम राम।